गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? आई होप के खूब बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया से मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम लोग इस चैप्टर के लास्ट मूवमेंट की ओर मूव कर रहे हैं। अभी हमको लगभग 2-3 लेक्चर इस चैप्टर में और लगेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभव मापी का मानकीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? विभव मापी का मानकीकरण, मतलब एक मानक मान प्राप्त करना है। तो विभव मापी के मानकीकरण की परिभाषा क्या है? विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान, विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। फिर से, विभव मापी के लिए, किसके लिए बेटा? विभव मापी के लिए, विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया, विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसका मतलब ये एनसीईआरटी का पार्ट ना होने के कारण ये सिर्फ आरबीएससी के कोर्स में ही है। तो आरबीएससी वाले बच्चे ही इसे पढ़ें, बाकी लोगों को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो को फॉरवर्ड कर लेंगे, आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो विभव मापी का मानकीकरण क्या है बेटा? विभव मापी के लिए जो विभव प्रवणता है, जैसे आपने कल याद किया था, विभव प्रवणता क्या होता है? एकांक लंबाई में विभव पतन, एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो उसी विभव प्रवणता का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने का तरीका यहां से हम लोग देख रहे हैं। तो ये विभव मापी का मानकीकरण है। तो इसके लिए ये आपका 10 मीटर लंबा तार है विभव मापी वाला, इसके प्राथमिक सेल में एक प्राथमिक परिपथ में एक सेल, ये कौन सा परिपथ है बेटा? प्राथमिक परिपथ सेल कुंजी के साथ एक धारा नियंत्रक संयोजित कर दिया जाता है, और द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल, ES कौन सा सेल है बेटा? मानक सेल के रूप में कैडमियम का सेल, इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.018 वोल्ट, या डेनियम सेल, इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट। ये कैडमियम सेल, मानक सेल के रूप में कैडमियम सेल या डेनियम सेल का प्रयोग करते हैं। अब इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है तथा इसका संतुलित लंबाई प्राप्त कर ली जाती है। फिर से विभव मापी का मानकीकरण, तो उसके लिए आप परिपथ चित्र एक बार बना लीजिए जल्दी से। तो विभव मापी के मानकीकरण के लिए जो डायग्राम बना है इसी को बोल दीजिए। विभव मापी के मानकीकरण के लिए द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल के साथ एक गैल्वेनोमीटर तथा उसके साथ विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं। मानक सेल के रूप में कैडमियम सेल, जिसका विद्युत वाहक बल 1.018, या डेनियम सेल 1.08 वोल्ट होता है, संयोजित कर देते हैं, और इसे प्रायः 20 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं बेटा? 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें एक लाइन है कि मानक सेल क्या है। तो मानक सेल वह सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत रहता है, मतलब इसका विद्युत वाहक बल ना बदले, नियत रहे, तभी तो इसका मानकीकरण आप कर पाएंगे। मतलब जो विभव प्रवणता का यथार्थ मान तभी तो ज्ञात कर पाएंगे, नहीं तो इसका ही मान थोड़ी देर में बदल गया डिस्चार्ज होके। तो मानक सेल वह सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत रहता है तथा शुद्धता से इसका मापन भी किया जा सकता है, इसका मान शुद्धता से ज्ञात किया जा सकता है। फिर से,
मानक सेल वह सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत रहता है तथा शुद्धता से इसका मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो फिर से देख लीजिएगा, फिर से एक बार सुनिए, विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में मानक सेल, विभवमापी के मानकीकरण के लिए द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल के साथ एक धारामापी को संयोजित करके उसके साथ एक विसर्पी कुंजी जोड़ दी जाती है। मानक सेल के रूप में कैडमियम सेल जिसका विद्युत वाहक बल आपके सामने लिखा हुआ है या डेनियल सेल का प्रयोग किया जाता है। अब फिर मानक सेल किसे कहते हैं जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत रहता है। तो ये इसकी बनावट हो गई बेटा। अब हम लोग इसके क्रियाविधि पे चलते हैं। तो क्रियाविधि के लिए कहेंगे कि सर्वप्रथम परिपथ की कुंजी चालू करते हैं, सर्वप्रथम परिपथ की कुंजी चालू करते हैं जिससे एबी तार में धारा प्रवाहित होती है। अब जॉकी को एबी तार पर सरकाकर धारा मापी में शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त की जाती है। फिर से, जॉकी को एबी तार पर सरकाकर धारा मापी में शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त की जाती है। अब माना कि इसकी संतुलित लंबाई L है, माना ये संतुलित लंबाई कितनी है L है, तो ES बराबर XL या X बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ES अपॉन L। X क्या है, यहां X विभव प्रवणता है, ES इसका विद्युत वाहक बल आपको पता है, लंबाई आपने संतुलित ज्ञात कर ली, तो विभव प्रवणता का मान आपको पता चल जाएगा। तो ये जो आपने निकाला है यही विभवमापी का मानकीकरण है। अब बहुत सिंपल टॉपिक था, एक दो नंबर में लास्ट ये आ सकता है, एक नंबर में तो इसका डायग्राम हो गया, एक नंबर में डेफिनेशन और ये वर्किंग हो गई। अब अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो विभवमापी की सुग्राहिता, विभवमापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी, सुग्राहिता माने कितना अच्छा उपकरण है, तो उपकरण उतना ही अच्छा होगा जितना ज्यादा इसके तार की लंबाई लेंगे। अगर विभव प्रवणता अच्छी है, मतलब विभव प्रवणता का मतलब जो लंबाई है उसकी तार की वो ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी सुग्राहिता अच्छी होगी। तो विभव प्रवण मतलब सुग्राहिता का फॉर्मूला होगा, विभवमापी की सुग्राहिता व्युत क्रमानुपाती होगी विभवमापी की, विभवमापी की प्रवणता या विभव प्रवणता, विभवमापी की विभव प्रवणता लिख दीजिए। तो ये सुग्राहिता जो होती है विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विभव प्रवणता। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये क्या कहा हमने, विभव प्रवणता की व्युत्क्रमानुपाती क्यों होती है बेटा, विभव प्रवणता कम का मतलब ढाल कम, विभव प्रवणता कम का मतलब ढाल कम और विभव प्रवणता का मतलब ढाल ज्यादा। अब विभव प्रवणता अगर ज्यादा हुई तो इसका मतलब है यहां थोड़े से तार के बीच में विभव का अंतर ज्यादा है, तो पता चला थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गया। जैसे आपने मान लीजिए कि ये कोई तार है और यहां पे आपने शून्य विच्छेद देखा और यहां पे स्केल में ये 89 लिखा है मान लीजिए, और 89 के बाद यहां 90 था, तो आपने सोचा कि ये एक्चुअल में 89 पे था, ये सुई कहां थी 89 पे, और 89 90 के बीच में, और आपने किसको कंसीडर कर लिया 90 को या 89 को, उसके बीच वाला मान आपने नहीं लिया, तो एक्चुअल में 89.5 था, तो आपने थोड़ा सा मिस्टेक करा लेकिन उसका मान बहुत ज्यादा बदल गया। क्योंकि आप देखिए विभव प्रवणता ज्यादा होने का मतलब है कि विभव का गिरना तेज हो जाए, मतलब यहां अगर उच्च विभव 10 वोल्ट है यहां 0 वोल्ट है, तो मान लीजिए अगर छोटा तार होगा तो 10 से 0 आने में मतलब तेजी से विभव गिरा है, और अगर यही बहुत लंबा तार ले लेंगे तो 10 से 0 उतने लंबे तार में आया है, तो विभव प्रवणता जितना ज्यादा होगा बेटा इसका मतलब वोल्टेज में ड्रॉप उतना ही कम होगा, विभव सॉरी उतना ही ज्यादा होगा, विभव प्रवणता ज्यादा तो वोल्टेज में ड्रॉप ज्यादा, विभव प्रवणता का मतलब ढाल,
ढाल ज्यादा है तो वोल्टेज में ड्रॉप ज्यादा है, तो आप क्या चाहते हो कि वोल्टेज के जो लंबाई में वोल्टेज है वो बहुत धीरे धीरे वैरी करे, तो इसका मतलब तार की लंबाई आप ज्यादा ले लीजिए। तो तार की लंबाई जब ज्यादा ले लेंगे तो अपने आप ही ढलान कम हो जाएगी बेटा। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, एक तार है, ये इसका वोल्टेज है 10 और इसकी लंबाई मात्र इतनी लियो हो, तो ये 10 और 0 और इसी तार की लंबाई इतनी ले लीजिए, तो 10 यही है, तो देखिए पहले का ट्रायंगल देखिए और बाद का ट्रायंगल देखिए, थीटा घट गया ना, तो लंबाई बढ़ने से विभव प्रवणता क्या हो गई, घट गई। लंबाई अगर बढ़ गई तो विभव प्रवणता घट गई, और विभव प्रवणता घटी तो सुग्राह्यता बढ़ी। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ईएस अपॉन एल, तो ये एल ऊपर चला जाएगा, एल अपॉन ईएस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं विभव मापी की सुग्राह्यता उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। मतलब अगर कोई भी तार लिए हो तो जितना ज्यादा लंबा लेंगे उतना ही ज्यादा वो सुग्राही होगा, इसीलिए इसमें 10 मीटर लंबे तार का प्रयोग किया जाता है, बड़े तार का प्रयोग किया जाता है। ये दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन कि छोटे तार का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, तो उसका आंसर यही है कि बेटा जितना छोटा तार होगा उसकी सुग्राहिता उतनी कम होगी और जितना लंबा तार होगा उसकी सुग्राहिता उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि लंबे तार में जो विभव पतन है वो कम दूरी में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, और अगर छोटा ही तार है तो विभव पतन थोड़े से भी लंबाई में बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की है रीडिंग लेने में तो आपके आंसर में बहुत वेरिएशन आ जाएगा, इसीलिए इसमें तार जो होता है तार की लंबाई वो ज्यादा लेते हैं। तो ये रहा आपका विभव मापी और उसका मानकीकरण, उसकी सुग्राह्यता। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके बुक में एनसीईआरटी में भी है और आरबीएससी में भी है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग देखें बेटा। अगला टॉपिक तो विभव मापी के अब अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं कि विभव मापी हमने पढ़ा है तो उसके क्या क्या यूजेस है बेटा, विभव मापी हम किस परिपथ किस प्रयोजन के लिए हमने उसको बनाया, उसका प्रयोग क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो विभव मापी के अनुप्रयोग, विभव मापी के अनुप्रयोग, तो पहला अनुप्रयोग है दिए गए दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। कुल मिलाकर दो सेल दिए गए हैं उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, तो ये इसका पहला अनुप्रयोग है। एनसीईआरटी में दो ही अनुप्रयोग है तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा और आरबीएससी वालों को थोड़ा सा और पढ़ना है। तो ये ए बी तार है विभव मापी का जो 10 मीटर लंबा आपने लिया था, इसका प्राथमिक परिपथ तो खट से बना दिया करिए, वो तो एक जैसे ही बनेगा हर बार, ईपी कुंजी धारा नियंत्रक आरएच कुंजी, ये आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे ये तार टच होना चाहिए, अगर टच ही नहीं हुआ बेटा तो परिपथ पूर्ण नहीं होगा, परिपथ पूर्ण नहीं होगा तो धारा कैसे बहेगी। अब द्वितीयक परिपथ में एक E1 ले लीजिए, एक E2 ले लीजिए और यहां पर द्विमार्गी कुंजी लगा दीजिए, ये XYZ और ये K है, यहां पे K1 डॉट हो जाएगा और यहां पे K2 डॉट,
अब ये जो इसका मिड पॉइंट है यहां से गैल्वेनोमीटर लगा के एक ये मान लीजिए संतुलित लंबाई L1। अभी चित्र आपको दोबारा फिर समझा देंगे और ये संतुलित लंबाई L2 है। देखें कष्ट करिएगा फिर से E1 E2। तो अब ये हो गया इसका डायग्राम, एक बार इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, इसको सीख लीजिए। तो यहां पे इसके नाम हम लिख देते हैं कि E1 क्या है, डेनियल सेल और लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल। E2 क्या है बेटा, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल। L1 क्या है, लेक्लांसी सेल के लिए संतुलित लंबाई। और L2 क्या है, डेनियल सेल के लिए संतुलित लंबाई। और XYZ क्या है, द्विमार्गी कुंजी। बाइडायरेक्शनल की, तो द्विमार्गी कुंजी है बेटा। अब ये डायग्राम जल्दी से आप ड्रॉ कर लो, तो इसके बाद हम लोग इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं। अब इसकी क्रियाविधि के लिए देखिएगा बेटा, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करके प्राथमिक परिपथ की कुंजी चालू करते हैं। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करके प्राथमिक परिपथ की कुंजी चालू करते हैं, जिससे AB तार में एक समान धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अब द्विमार्गी कुंजी में लगे XY के मध्य K1 डॉट को लगा देते हैं, जिससे E1 देखिए, अगर इसको इस डॉट को लगाओगे ये ओपन है, तो ये ओपन है तो ये तो कनेक्शन में नहीं है बेटा, तो ये बेकार हो गया। लेकिन ये देखिए, जब ये डॉट लग जाएगा मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, संपर्क में आ जाएंगे। अगर ये डॉट आप लगा देते हो तो यहां से ये देखिए ये कनेक्शन में आ गया ना। तो अब फिर से सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ की कुंजी चालू करते हैं, जिससे AB तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब द्विमार्गी कुंजी के XY के मध्य K1 डॉट को लगा देते हैं, जिससे कौन सा सेल है बेटा, ये लेक्लांसी सेल परिपथ में आ जाता है। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल के बारे में बता दूं बेटा। तो लेक्लांसी सेल कैसे निर्माण होता है, एक एक्चुअल में कांच का पात्र होता है ये। अब इसमें एक कार्बन रॉड होती है, उसको कार्बन रॉड डाल देते हैं, सी रॉड, कार्बन रॉड डाल देते हैं, और दूसरा एक जिंक की रॉड डाल देते हैं ये। और इसके यहां पे इसको यहां तक गले तक इसके पानी भर दिया जाता है, RO वाटर। RO वाटर का मतलब शुद्ध जल एकदम भरिएगा, जिससे कि उसमें एक्स्ट्रा आयन ना हो। RO वाटर भर दिया जाता है, और RO वाटर में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl डाल दिया जाता है, और मानक लगभग इतना है, इतना उठाइए और डाल दीजिए। तो ये NH4Cl व्हाइट कलर का होता है बेटा, एकदम नमक जैसा। अमोनियम क्लोराइड आप डाल देंगे तो ये जो निर्माण हुआ है इसी को क्या कहते हैं बेटा, लेक्लांसी सेल। अब इसमें कार्बन में एक नॉब लगी होती है, तो कार्बन पॉजिटिव जैसा और जिंक रॉड जो होती है वो निगेटिव जैसा व्यवहार करती है। यहां पर निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव। अब इसको परिपथ में संयोजित कर दिया। देखिए, E1 को संयोजित करने का मतलब है कि ये A तार से आप लाइए पॉजिटिव जोड़ दीजिए, तो मतलब रॉड को जोड़ दीजिए, कार्बन रॉड को, और इसका निगेटिव टर्मिनल मतलब जिंक की रॉड को किससे जोड़ दीजिए, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल से। तो ये इसका परिपथ चित्र हो गया बेटा। ऐसे ही डेनियल सेल होता है, तो डेनियल सेल में ये कॉपर का पात्र होता है। ये किसका पात्र है बेटा,
कॉपर का पात्र। अब ये कॉपर का पात्र खुद ही धनात्मक जैसा व्यवहार करता है, तो इसी कॉपर के पात्र में टर्मिनल लगा होता है, तो ये खुद पॉजिटिव है कॉपर का पात्र। अब इसमें एक पोरस पात्र होता है, पोरस माने छिद्र युक्त पात्र है, तो इसमें पोरस पात्र में एक जिंक की रॉड डाल दी जाती है। ये किसकी रॉड डाल रहे हैं बेटा? ये जिंक की रॉड डाल दी हमने, ये जिंक की रॉड निगेटिव जैसा व्यवहार करेगी। अब देखिएगा, ये जो कॉपर का पात्र है ये किसका पात्र है बेटा? Cu का। अब इसमें यहां तक आपने क्या भर दिया? RO वाटर। RO वाटर भरने के बाद इसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट डाल दिया, और ये जो पोरस पात्र है ये ऐसे व्हाइट कलर का होता है, एकदम उसमें छिद्र युक्त रहता है, तो इसमें हमने वाटर यहां तक फिल कर दिया, इसमें भी हमने यहां तक ये वाटर फिल कर दिया, फिर इसमें कुछ बूंदे H2SO4 की डाल दी, तो ये डाइल्यूट H2SO4 हो गया। अब डाइल्यूट H2SO4 हो गया और ये CuSO4, तो इसमें अभिक्रिया हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो उपकरण बना है इसको हम लोग नाम देते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल ध्यान रखिएगा कॉपर का पात्र होता है, उसमें एक पोरस पात्र होता है, उसको डाल देते हैं, और पोरस पात्र के अंदर जल के अंदर कुछ बूंदे H2SO4 की डाल देते हैं, तो इसको हम तनु H2SO4 बोल सकते हैं। और कॉपर का पात्र खुद ही एक प्लेट की भांति व्यवहार करता है जिसे हम पॉजिटिव प्लेट कहते हैं। अब इसमें एक जिंक रॉड डाल दी है जो निगेटिव व्यवहार कर रहा है, जिसमें पोरस पात्र में, पोरस पात्र का मतलब छिद्र युक्त पात्र है, तो उसमें अभिक्रिया के लिए जो आयन है वो आ जा सकते हैं इस छिद्र से इस पात्र में, इस पात्र से इस छिद्र में, तो इस मतलब सॉरी इस पात्र से इस पात्र में, इस पात्र से इस पात्र में, क्योंकि वो देखने में आपको छिद्र युक्त नहीं लगेगा लेकिन आयनों का साइज इतना कम होता है कि उनका आना जाना संभव है। तो ये हुआ डेनियल सेल बना बेटा, और ये बना लेक्लांसी सेल, ये बना लेक्लांसी सेल। तो इसको आप इसको समझ लीजिएगा। अब यहां पे क्या लगा हुआ है? डेनियल सेल। डेनियल सेल का मतलब है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल को हमने किससे जोड़ दिया? इसके पॉजिटिव से, मतलब कॉपर के पात्र से जोड़ दिया है, और जो ये पोरस पात्र में जिंक रॉड है, ये कौन सी रॉड है बेटा? जिंक रॉड। यहां भी जिंक रॉड है, तो जिंक रॉड को मिला के निगेटिव जैसा व्यवहार करेगा, चाहिए चाहिए, तो जिंक रॉड को हमने यहां से जोड़ के और उसको कुंजी, द्विमार्गी कुंजी के जेट टर्मिनल से संयोजित कर दिया है, तो ये इसका संयोजन हो गया बेटा। अब फिर से अगर ये बात आप सीख चुके हैं तो इसको हम लोग फिर से आगे मूव कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा अगर कहीं अलग से नोट करना होगा। ये इसका नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको हमने बनाया है कि ऐसा होता है। अब इसके बाद समझिएगा, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करके प्राथमिक परिपथ की कुंजी चालू करते हैं, जिससे AB तार परिपथ में आ जाता है। अब द्विमार्गी कुंजी के में XY के मध्य लगे K1 डॉट को लगाते हैं, जिससे लेक्लांसी सेल परिपथ में आ जाता है। अब जॉकी को AB तार पर सरकाकर धारा मापी में शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त की जाती है। माना संतुलित लंबाई L1 है, तो E1 बराबर विभव मापी के मानकीकरण के सूत्र से E1 बराबर XL1, समीकरण नंबर 1, ये भाषा लिख देना बेटा। अब K1 डॉट हटाकर K2 डॉट लगाते हैं, K1 डॉट हटा दिया बेटा, K1 डॉट हटाने का मतलब है कि ये परिपथ से बाहर हो गया, और K2 डॉट लगा दिया, K2 डॉट का मतलब है ये लगा दिया आपने, K2 डॉट लगाने का मतलब है अब डेनियल सेल परिपथ में आ गया। देखिएगा ये पूरा परिपथ यहां से यहां तक ये जब जुड़ा होगा तो इसके साथ ही गैल्वेनोमीटर आ गया परिपथ में, तो अब K1 डॉट हटाकर K2 डॉट लगा देते हैं, जिससे डेनियल सेल विभवमापी परिपथ में आ जाता है, जिससे डेनियल सेल विभवमापी परिपथ में आ जाता है। अब जॉकी को पुनः AB तार पर सरकाकर धारा मापी में शून्य विच्छेद की स्थिति
ये जो धारा मापी है इसमें शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त की जाती है। अब माना संतुलित लंबाई L2 है, माना संतुलित लंबाई L2 है तो E2 बराबर हो जाएगा XL2। समीकरण नंबर दो, तो समीकरण एक का भाग दे दीजिए दो से तो E1 बटे E2 बराबर हो जाएगा XL1 बटे XL2, तो ये हो गया E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। तो विद्युत वाहक बलों की तुलना हो जाएगी कि इसका इसका अनुपात कितने के बराबर है। यहां पे ऐसा भी कर सकते हैं E1 बराबर L1 बटे L2 इंटू E2। अब इसका मात्रक हो जाएगा बोल्ट और ये आया मात्रक हीन बेटा, क्योंकि लंबाई बटे लंबाई तो मात्रक हीन। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, यहां पे प्रैक्टिकल में इस तरह से नंबर कट जाते हैं, ये प्रैक्टिकल का ही पूरा पोर्शन है बेटा, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे मूव कर रहे हैं बेटा। तो अगर ये डेरिवेशन, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, इसमें भाषा ही है, डेरिवेशन में कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। तो अब ये फिर से हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा। दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब हम लोग अगला टॉपिक इसी में पढ़ने जा रहे हैं, दिए गए सेल का, ये दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इसमें खास बात यह है कि परिपथ चित्र सेम रहेगा, अब यहां पे बस इसके जगह पे एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देंगे आरबी। आरबी के बारे में हमने बता रखा है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ये, स्पीयर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है। तो मान लीजिए ईवन दिया रहेगा, आरबी यहां क्या है, प्रतिरोध बॉक्स, आरबी क्या है, प्रतिरोध बॉक्स, एल वन क्या है, दिए गए सेल के लिए संतुलित लंबाई, सेल के लिए। लेक्लांसी हटा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, लेक्लांसी भी दे सकता है, डेनियल भी दे सकता है। तो ये सेल का विद्युत वाहक बल जनरली लेक्लांसी ही देते हैं, तो आप इसमें अगर लेक्लांसी भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए देखिएगा, या आप सेल का विद्युत वाहक बल लिख दिए, आरबी प्रतिरोध बॉक्स लिख दिए, एल वन के वन डॉट लगाकर संतुलित लंबाई, के वन डॉट के लिए संतुलित लंबाई, के वन डॉट लगाकर ही लिख दीजिए, के वन डॉट लगाकर संतुलित लंबाई, L2 क्या है, K1 व K2 डॉट लगाकर, संतुलित लंबाई। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा बेटा, डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, बस यहां पे हमने एक आरबी लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स, वहां पे पिछले वाले डायग्राम में अगर आपको याद हो तो उसमें यहां पे एक दूसरा सेल था, यहां पे सेल की बजाय, क्योंकि वहां पे दो विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी थी तो वहां पे सेल था, और यहां पे विद्युत वाहक बलों की तुलना नहीं करनी है, इसी सेल का ये ई रहने दो, ई वन ना लिखो तो ये ई रहने दीजिए। तो ई जो दिया गया विद्युत सेल है उसके विद्युत वाहक बल का, उसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो फिर से वही क्रियाविधि है, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करके प्राथमिक परिपथ में लगे कुंजी को चालू करते हैं जिससे एबी तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब द्विमार्गी कुंजी में लगे एक्स वाई टर्मिनल के मध्य केवन डॉट को चालू करते हैं। जैसे ही केवन डॉट चालू करोगे बेटा, केवन डॉट चालू करने का मतलब ये डॉट आपने लगा दिया,
तो ये डॉट लगाने का मतलब ये परिपथ में आ गया। तो केवल डॉट लगाते हैं जिससे दिया गया सेल विभव मापी परिपथ में आ जाता है। अब जॉकी को एबी तार पर सरकाकर धारा मापी में शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त की जाती है। माना संतुलित लंबाई L1 है, तो अगर संतुलित लंबाई L1 है तो E बराबर एक्स L1, विभव मापी के सिद्धांत से E बराबर एक्स L1। अब K1 डॉट लगा रहने देते हैं और उसके साथ साथ K2 डॉट भी लगा देते हैं। अब K1 के साथ साथ यहां ध्यान देना, वहां K2 K1 हटाकर K2 लगाते थे, यहां K1 के साथ साथ K2 डॉट भी लगा देते हैं जिससे प्रतिरोध बॉक्स भी परिपथ में आ जाता है। अब प्रतिरोध बॉक्स में से कुछ निश्चित मान का प्रतिरोध निकालकर, प्रतिरोध बॉक्स में से कुछ निश्चित मान का प्रतिरोध निकालकर धारा मापी में लगे विसर्पी कुंजी को एबी तार पर सरकाकर धारा मापी में शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त करते हैं। माना संतुलित लंबाई L2 है, तो अब ये देखिएगा, इधर देखिएगा, ये एक इसमें धारा लगातार बहती रहेगी, भले यहां ये जीरो शो कर रहा है लेकिन इसका जो ये धारा गया है, ये एक धारा इधर गई थी लेकिन एक धारा इधर भी तो जाएगी, तो इस वाले में धारा लगातार बहती रहेगी। तो इस वाले परिपथ में अगर धारा बहती रहेगी बेटा, तो अगर इसमें से कुछ धारा ले लेता है परिपथ, तो अब इसका जो विद्युत वाहक बल होता है उसका नाम बदल के हो जाता है टर्मिनल वोल्ट का। ध्यान देना, अगर परिपथ में से कुछ परिपथ धारा कुछ ना कुछ ग्रहण करता है तो ये सेल का विद्युत वाहक बल ना कहकर उसकी टर्मिनल वोल्टता होती है। तो अब इस स्थिति में सेल की टर्मिनल वोल्टता, इस स्थिति में सेल की टर्मिनल वोल्टता V बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एल टू। तो समीकरण एक भाग दो फिर से दे दीजिए, तो E बटे V बराबर एक्स एल वन बटे एक्स एल टू, तो E बटे V बराबर एल वन बटे एल टू। अब हम जानते हैं टर्मिनल वोल्टता, V बराबर E माइनस आई आर, तो यहां से R बराबर, जब आप इसको सॉल्व किए थे तो R बराबर आ गया था E बटे V माइनस वन ओम। तो E बटे V का मान समीकरण एक से रखने पर, समीकरण एक से, तो E बटे V की जगह L1 बटे L2, L1 बटे L2 माइनस वन ओम R बराबर बेटा ये। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इस तरह से हमने ये जो दूसरा वाला पोर्शन था इसको भी समझा दिया, इसको जल्दी से वीडियो पॉज कर लीजिएगा बेटा। फिर से देख लीजिएगा, अगर एक बार इसको सरसरी निकाल से, जब K1 K2 हटाकर K1 डॉट, K2 हटा हुआ है, K1 डॉट लगाते हैं तो दिया गया सेल विद्युत वाहक बल, दिया गया सेल परिपथ में आ जाता है। अब जॉकी को एबी तार पर सरकाकर धारा मापी में शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त करते हैं। तो माना संतुलित लंबाई L1 है, तो E बराबर एक्स L1। अब जब K1 डॉट के साथ साथ K2 डॉट भी लगाते हैं तो अब प्रतिरोध बॉक्स भी परिपथ में आ जाता है। तो अब इस सेल से कुछ ना कुछ धारा इस परिपथ में बहती रहती है, तो इसका मतलब है कि जब सेल से ये कुछ प्रतिरोध बॉक्स में से कुछ निश्चित मान का प्रतिरोध आपने निकाल लिया है, तो इस प्रतिरोध के कारण इसकी जो विद्युत वाहक बल है वो घटकर टर्मिनल वोल्टता हो जाती है। तो अब इसकी टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी, अब माना संतुलित लंबाई L2 है, तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर एक्स एल टू। यहां पर यह शब्द ध्यान देना है कि अब जब K2 लगा दोगे तो ये विद्युत वाहक बल ना रहके क्या बन जाएगा बेटा, टर्मिनल वोल्टता। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रतिरोध बॉक्स के साथ सेल संयोजित करने के कारण, प्रतिरोध बॉक्स के साथ जो जब सेल संयोजित किया जाता है तो जो विद्युत वाहक बल होता है उसके स्थान पर टर्मिनल वोल्टता प्राप्त होती है, विद्युत वाहक बल के स्थान पर टर्मिनल वोल्टता प्राप्त होती है। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां पर है कि ये टर्मिनल वोल्टता ही क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि
जब इसमें से कुछ प्रतिरोध निकाल लिए तो इसके प्रतिरोध के कारण जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो वो विद्युत वाहक बल ना होके टर्मिनल वोल्टता होती है। ठीक, तो जब सेल जब परिपथ पूर्ण होता है तो सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। जब परिपथ खुला होता है मतलब उसमें से धारा कोई और ग्रहण नहीं कर रहा होता है तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये दोनों में अंतर है बेटा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों डेरिवेशन दोनों पोर्शन सीबीएसई में भी है, आरबीएससी में है, सबके लिए लागू होता है। इसके बाद के जितने टॉपिक हैं वो सब सिर्फ आरबीएससी में ही है। तो इसके बाद आज के लिए इतना ही करते हैं। इसको आप तीनों पोर्शन तीन डेरिवेशन तीन पोर्शन आज हमने डिस्कस किया है, एक विभवमापी का मानकीकरण, फिर उसकी सुग्राह्यता भी पढ़ ली, फिर इसका विभवमापी का अनुप्रयोग पढ़ लिया कि दिए गए सेलों का विद्युत वाहक बल भी तुलना कर ली है दो सेलों की और उसका आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए।